वेलकम टू माई पैराडाइज गार्डन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और अपनी गार्डनिंग बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा वाइल्ड वीट शेयर कर रही हूँ, जो अक्सर बरसात के मौसम में मेरे गार्डन में तो जरूर ग्रो होता ही होता है। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों के गार्डन में भी जरूर ये जो प्लांट है कहीं ना कहीं आपको ग्रो होता हुआ दिख ही जाता होगा। तो देखिए कितना खूबसूरत लगता है। और इस तरह के प्लांट्स मैं तो कहूंगी आप कभी भी हटाया मत करिए, इनको अपने पॉट्स में ग्रो होने दिया करिए। ये मैं तो कहूंगी आप एक ही प्लांट से इनके बहुत सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं बरसात में, और बहुत प्यारे प्यारे कंटेनर्स और प्लांटर्स तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्लांट है ये सीड डिस्पर्सल से और कटिंग से बहुत ही आसानी से जो है प्रोपेगेट हो जाते हैं। देखिए इनकी पत्तियां देखिए और इनकी स्टेम्स देखिए, और ये हमारी टर्टल वाइन को देखिए, बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर। मुझे तो लगता है ये टर्टल वाइन का बड़ा वर्जन है, ये बड़ी बड़ी पत्तियों वाला टर्टल वाइन है। और ये नॉर्मली जो है फ्रेंड्स बरसात के मौसम में ही बहुत अच्छे से थ्राइव करता है, अपने आप जो है ये कई गमलों में ग्रो होने लगते हैं और बरसात में बहुत अच्छे से चलते हैं, और जैसे ही सर्दियाँ आने लगती हैं ये अपने आप ख़त्म हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो बहुत ही खूबसूरत सा जो ये प्लांट है, बहुत ही इजी टू केयर है, और इसमें फ्लावरिंग भी होती है। जिस तरह पर्पल हार्ट और वॉन्डरिंग ज्यू में पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं, बस उसी तरह के फ्लावर्स इसमें भी आते हैं। अभी ये फूल बंद हो गया है और इन्हीं में सीड्स बनते हैं जो हवा से इधर उधर डिस्पर्स हो जाते हैं, और फिर नए नए प्लांट्स आपको हर जगह ग्रो होते हुए दिखाई देंगे। तो बस आज आपके साथ यही शेयर करना था कि इस तरह के वाइल्ड वीड्स आप जो हैं अपने गार्डन में से ना हटाया करिए। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी कि आप इन्हीं से बहुत सारे पॉट्स तैयार कर सकते हैं, हैंगिंग बास्केट्स तैयार कर सकते हैं, और बिल्कुल फ्री का प्लांट है और इतना खूबसूरत लगता है। आप देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, और ये जो प्लांटर देख रहे हैं ये अपने आप ही तैयार हो गया है। बस मैंने जो है इस पॉट में कुछ टर्टल वाइन की कटिंग्स डाल दी थी जो बरसात में अच्छे से चलने लग गई हैं। ये प्लांट जो है अपने आप ग्रो हो गया, और ये आप अलाइसम को देखिए, ये अलाइसम भी जो है अपने आप सीड डिस्पर्सल से इस पॉट के अंदर ग्रो हो गया और अब ये फ्लावरिंग पे भी आ गया है। तो अलाइसम के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूँगी इस वीडियो में कि अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पे क्लाइमेट मॉडरेट रहता है ऑल ईयर राउंड, जैसे बैंगलोर में है, तो वहाँ पे जो है आप अलाइसम को बहुत ही आसानी से थ्रू आउट द ईयर ग्रो कर सकते हैं। मेरे यहाँ अलाइसम जो है फ्रेंड्स विंटर्स से देखिए अभी तक बहुत अच्छे से चल रहे हैं। एक प्लांट ख़त्म हो जाता है तो उसी के सीड इधर उधर गिरते हैं तो नए प्लांट्स बन जाते हैं और फिर फ्लावरिंग करने लगते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं इनके ये छोटे छोटे फ्लावर्स, देखिए मुझे बहुत ही, मेरा तो एक पर्सनल फेवरेट सा हो गया ये अलाइसम का प्लांट, और इनमें भीनी भीनी सी खुशबू भी आती है। तो अलाइसम एक ऐसा प्लांट है जो एज अ फिलर भी एक्ट करता है और खुशबू भी फैलाता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आप इसे भी अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए करिए, बहुत ही खूबसूरत फिलर्स होते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे जो ये फ्लावर्स हैं बहुत ही जो कहते हैं ब्यूटी ऐड कर देते हैं आपके किसी भी कंटेनर गार्डन में, बहुत ही प्यारा लगता है ये प्लांट। साथ में आप देखिए ये मेरा वेस्ट प्लांटर है, एक ऑयल कैन को मैंने कट करके ये पॉट तैयार किया है और ये अपने आप इस तरह जो है खूबसूरत बन गया। तो बस आज आपके साथ यही शेयर करना था फ्रेंड्स कि इस तरह जो है ये जंगली पौधे भी बहुत खूबसूरत लगते हैं अपने आप में, इनको ना हटाया करिए बल्कि इनको भी अपने गार्डन में जगह दीजिए, ये बहुत खूबसूरत लगते हैं और आपके गार्डन को भी और खूबसूरत बनाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले।